कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेटवर्किंग एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, और साथ ही साथ उसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। तो एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा नेटवर्किंग का, एमसीक्यू का। आप कोई भी एग्ज़ाम दो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कॉलेज एग्ज़ाम, सभी में हमारे ही क्वेश्चन रहेंगे, यानी जो मैं आपको बताऊंगा यही क्वेश्चन रहेगा। वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो जो क्वेश्चन स्किप करोगे वही एग्ज़ाम में दिखेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क नेम, पहले कंप्यूटर नेटवर्क का नेम क्या था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन से आपके सामने, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा अर्पानेट। अर्पानेट पहला कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, पॉप स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल ऑफ पोस्ट, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, प्री ऑफिस प्रोटोकॉल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पूरा नेम होता है पॉप का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लेयर्स आर इन ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल में टोटल कितने लेयर्स हैं। चार ऑप्शन से 1, 3, 5, 7। तो यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, 7 लेयर्स होते हैं ओएसआई मॉडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हब इज अ, हब क्या है, कैलकुलेटिंग डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस, कंप्यूटिंग डिवाइस, या फिर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, हब एक नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी स्टैंड्स फॉर, आईपी का पूरा नेम क्या होता है। चार ऑप्शन से इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंट्रानेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोटोकॉल, या फिर इंटरनेट पोस्ट। तो यहाँ पे ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल पूरा नेम होता है आईपी का, ठीक है। तो चलो और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डैश इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, आपको बताना है नेटवर्कों का नेटवर्क कौन है इन चार में से। पहला ऑप्शन है वेब पेज, इंट्रानेट, कुकीज़, या फिर इंटरनेट। तो यहाँ पे इंटरनेट हमारा करेक्ट आंसर होगा, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। फिर एक और सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक फिल इन द ब्लैंक्स है, वॉज द फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन TCP/IP प्रोटोकॉल्स, आपको बताना कौन सा पहला नेटवर्क है जो TCP/IP प्रोटोकॉल पे बेस्ड था। इथरनेट कार्ड, हब, राउटर, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। होम पेज इज एन फॉर्म ऑफ, होम पेज किसका फॉर्म होता है, टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, होम पेज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक, यानी ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट कॉल्ड, चार ऑप्शन से www, इंटरनेट, ईमेल, html। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, वर्ल्ड वाइड वेब जो है हमारा कलेक्शन होता है हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट का इंटरनेट में, ठीक है, उसी को www बोलते हैं हम। यहाँ पे बोल रहा है www स्टैंड्स फॉर, चार ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर से याद में रखिएगा, एग्जाम में पूछता है अक्सर ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवेन बाय इट्स प्रोटोकॉल, URL, IP, या फिर ईमेल। तो यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, URL, ठीक है। URL स्टैंड फॉर, URL का पूरा नेम पूछ रहा है, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का पूरा नेम होता है। वेब ब्राउज़र आर, या फिर इज भी बोल सकते हो, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल, SMTP, PPP, FTP, या फिर TCP/IP। तो यहाँ पे डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, TCP/IP मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल है। FTP रेफर्स टू, यानी FTP का पूरा नेम पूछ रहा है, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। हमारा करेक्ट आंसर होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर हुआ। X.25 इज लेयर स्कीम प्रोटोकॉल, या फिर पैकेटिंग। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, X.25 एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि डेटा को पैकेट के फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, इन चारों में से आपको बताना है नेटवर्क टोपोलॉजी का एग्जांपल कौन नहीं है, स्टार, बस, रिंग, या फिर पीयर टू पीयर। तो डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, पीयर टू पीयर टोपोलॉजी नहीं है।
द पोर्ट नंबर ऑफ एफटीपी इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा 21 करेक्ट आंसर होगा, ए नंबर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, याद रखिएगा एफटीपी का पोर्ट नंबर। हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस, यानी IPv6 एड्रेस का लेंथ क्या है आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, 128 बिट्स का इसका टोटल लेंथ होता है। हाउ लॉन्ग इज एन IPv4 एड्रेस, 4 का क्या लेंथ होता है टोटल, तो यहाँ पे हमारा 32 बिट्स करेक्ट आंसर होगा IPv4 का। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है नेटवर्किंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी वर्जन अवेलेबल ऑफ IP, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का कितना वर्जन है, 6, 4, 2 या फिर 1, तो यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, 2 वर्जन अवेलेबल है हमारे IP का। मैंने आपसे अभी अभी डिस्कस किया था IPv4, IPv6, यही दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LAN रेफर्स टू, इसका मतलब LAN का पूरा नेम पूछ रहा है आपसे, तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, लोकल एरिया नेटवर्क LAN का पूरा नेम होता है। फुल फॉर्म ऑफ अर्पानेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, अर्पानेट का पूरा नेम पूछ रहा है यहाँ पे, 4 ऑप्शंस है, 3 गलत है, 1 सही है, सी नंबर सही है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अर्पा नेटवर्क में नेट। ठीक है, विच ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, आपको बताना है इन चारों में से कौन है ये जो नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है, तो यहाँ पे ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, यूज़र आईडी हमारा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है। व्हेन द मेल सर्वर सेंड्स मेल टू अदर मेल सर्वर कॉल्ड, जब एक मेल सर्वर दूसरे मेल सर्वर को मेल सेंड करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, TCP/IP, SMTP, MIME या फिर FTP, तो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ही होता है जिसके थ्रू हम एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर में मेल सेंड कर पाते हैं। MIME स्टैंड्स फॉर, इसका पूरा नेम पूछ रहा है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, पूरा नेम होता है MIME का। ठीक है, 143 पोर्ट नंबर रेफर्स टू, 143 पोर्ट नंबर किसको रेफ़र करता है, FTP प्रोटोकॉल को, SMTP, IMAP या फिर POP, तो यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, IMAP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होता है 143। BPS स्टैंड फॉर, यहाँ पे ध्यान में रखना स्मॉल बी है, ठीक है, तो इसका पूरा नेम क्या होता है, 4 ऑप्शन से, बाइट पर सेकंड, बीट पर सेकंड, ब्यूटेन पर सेकंड या फिर इनमें से सभी, तो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, बीट पर सेकंड स्मॉल BPS का फुल फॉर्म। ठीक है, BPS स्टैंड फॉर, यहाँ पे कैपिटल बी है, इसका पूरा नेम क्या होता है, बाइट पर सेकंड, बिट पर सेकंड, बिटकॉइन पर सेकंड या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, कैपिटल बी रहेगा तो बाइट, स्मॉल बी रहेगा तो बिट। ठीक है, ब्लूटूथ इज अ एग्जांपल ऑफ VPN, LAN, WAN या फिर PAN, तो डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल होता है ब्लूटूथ, क्योंकि हम अपने पर्सनल डिवाइस को ही कनेक्ट करते हैं सर्टेन रेंज में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये भी एक है, सर्वर प्रोवाइड्स, पहला है सिक्योरिटी, सेकंड है बैकअप, थर्ड स्टोरेज या फिर इनमें से सभी, तो डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, जो सर्वर होता है सिक्योरिटी, स्टोरेज, बैकअप हमें सभी चीज़ें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क दैट कैन बी जॉइंड टुगेदर, उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट या फिर अर्पानेट, तो ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, इंट्रानेट। ठीक है, ये क्या करता है, नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क, अगर आपको दो डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो कौन सा डिवाइस आप यूज़ करेंगे, हब, स्विच, ब्रिज या फिर गेटवे, तो यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, गेटवे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इस फिगर को आप देखिए, 4 सिस्टम कनेक्टेड हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेस टोपोलॉजी या फिर ट्री टोपोलॉजी, तो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, रिंग टोपोलॉजी इसी फॉर्म में होता है, देखो एक रिंग के फॉर्म में है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। गाइस अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। इस पेज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए एक एक करके जानते हैं। विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा,
ऐसा कौन सा डिवाइस है? चार ऑप्शन से मोडेम, राउटर, रिपीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। मोडेम एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। विच डिवाइस इज़ यूज टू बूस्ट अप द वीक सिग्नल। मान लो आपका सिग्नल वीक हो गया है तो कौन सा डिवाइस आप यूज़ करेंगे कि आपका आपका सिग्नल फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाए? राउटर, रिपीटर, गेटवे या फिर स्विच। तो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। रिपीटर का काम ही होता है वीक सिग्नल को बूस्टअप करना। नोड आल्सो नोन एज, हमारा जो नोड होता है उसे हम नेटवर्किंग में और क्या बोलते हैं? कंप्यूटर, डेटा लिंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, कंप्यूटर। कंप्यूटर को ही नोड कहा जाता है नेटवर्किंग में। PPP स्टैंड फॉर, आपको इसका पूरा नेम बताना है। प्री प्लान प्रोजेक्ट, प्राइमरी प्री पोजिशन, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है PPP। हाउ लॉन्ग इज एन मैक एड्रेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। मैक एड्रेस का लेंथ पूछ रहा है, 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स या फिर 48 बिट्स। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, 48 बिट्स का टोटल लेंथ होता है मैक एड्रेस का। FM स्टैंड फॉर, FM का पूरा नेम पूछ रहा है। फाइल मॉडल, फ्रीक्वेंसी मॉडल, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। AM स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एनालॉग मोड, एनालॉग मॉड्यूलेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM का पूरा नेम होता है। सेट ऑफ रूल्स डिफाइंस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, प्रोटोकॉल डिफाइंस सेट ऑफ रूल्स। ठीक है। NIC स्टैंड फॉर, NIC का पूरा नेम पूछ रहा है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल, नेटवर्क इंटरनेट कार्ड। तो ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। Wi-Fi स्टैंड फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये भी एक है, Wi-Fi का पूरा नेम बताना। वायरलेस फैसिलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, वायर फायर या फिर ये सभी। तो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है। वर्क स्टेशन आल्सो नोन एज, वर्क स्टेशन को हम और क्या कहते हैं? नोड, www, इंटरनेट या फिर इनमें से कोई नहीं। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा हमारा, नोड, वर्क स्टेशन और कंप्यूटर। इन तीनों का अलग अलग नेम है कंप्यूटर नेटवर्किंग में, इन्हें जानने का। तीनों सेम ही होता है कंप्यूटर। ठीक है। पोर्ट नंबर ऑफ SMTP इज, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यहाँ पे पोर्ट नंबर पूछ रहा है। तो आपको करेक्ट आंसर करना है बी नंबर, 25 होता है पोर्ट नंबर SMTP प्रोटोकॉल का। पोर्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका भी पोर्ट नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पे ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, 110 पोर्ट नंबर होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। ठीक है। विच वन इज़ द नोट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप कौन नहीं है? लैन, मैन, पैन या फिर हब। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, हब हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप नहीं है क्योंकि ये एक नेटवर्क डिवाइस है। डैश एलोकेट एंड मैनेज रिसोर्सेज फॉर अ नेटवर्क, अगर आपको अपने रिसोर्सेज को नेटवर्क में मैनेज करना है, एलोकेट करना है, तो आप क्या लेंगे? सर्वर, नोड, ब्लूटूथ या फिर नन। तो यहाँ पे ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, सर्वर रिस्पॉन्सिबल होता है नेटवर्क में रिसोर्सेज को मैनेज और एलोकेट करने के लिए। डैश आर द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए आज के टाइम में भी सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला मीडियम कौन सा है? सैटेलाइट, केबल्स, हब या फिर स्विच। तो यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, केबल्स। केबल सबसे ज़्यादा कॉमन डिवाइस है, कॉमन मीडियम है जो आज भी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। गाइस, मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत करके टॉप 50 नेटवर्किंग का ये बहुत अच्छा MCQ क्वेश्चन तैयार किया था। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। जैसे मैंने कुछ कुछ प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर आपको बताया, तो बाकी की आप गूगल करके भी पता कर सकते हो। आइडिया तो मैंने दे ही दिया है। बाकी वीडियो पसंद आया है लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।